हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज हम बनाने वाले हैं दिल्ली के स्पेशल तंदूरी पराठे। बिना तंदूर के इसे हम गैस पर ही बनाएंगे। पराठे बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी आटा, नमक, अजवाइन, पिसी हुई काली मिर्च। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 4 उबले हुए आलू, चाट मसाला, लाल मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, देसी घी और ये 1 मैगी मसाला का पाउच। सबसे पहले हम पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। उसके लिए एक बड़े बोल में हम आटा डाल देंगे, 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे, 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ी सी अजवाइन को हम हाथ से क्रश करके डाल देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा गूंद लेंगे। हमें इसका जो डो है बहुत सॉफ्ट भी नहीं चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं चाहिए। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि ये आटा सेट हो जाए। 15 मिनट बाद हम थोड़ा सा हाथ में घी लगा के या ऑयल लगा के इसे अच्छे से नीट कर लेंगे और एक चिकना सा डो रेडी कर लेंगे। अगर हम जितना इसको हम डो को चिकना करेंगे उतना ही हमारे पराठे टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे। सबसे पहले हम तंदूरी लच्छा पराठा बनाते हैं। उसके लिए जो हमने आटा गूंदा है उसी में से एक पेड़ा तोड़ेंगे और उसे गोल गोल कर लेंगे। पेड़ा हमारा जो आटे का है बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। उसे हम सूखे आटे में डिप करेंगे और एक इसकी पतली सी रोटी बना लेंगे। रोटी ज़्यादा ये मोटी नहीं होनी चाहिए, जितनी रोटी पतली होगी हमारे पराठे के लच्छे उतने ही अच्छे बनेंगे। अब हम एक ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर पूरा घी या बटर लगाएंगे। अब हम एक नाइफ़ या फिर पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसमें इस तरीके से स्ट्रिप्स काट लेंगे। स्ट्रिप्स हमें बहुत पतली पतली ही रखनी है और फिर थोड़ा सा ऊपर से सूखा आटा लगा के हम इसको रोल रोल करके फिर से एक पेड़ा इसका बना देंगे। मैंने आटा स्पेशली गूंदा है इसलिए इसमें नमक मिर्च है, लेकिन अगर आप घर में पहले ही आटा गूंदा पड़ा है उससे बना रहे हैं तो इस टाइम पर आप इसमें नमक, काली मिर्च, अजवाइन या जो भी आप चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। देखिए, हमने ये फिर से इसका पेड़ा स्ट्रिप्स से रेडी कर लिया है। इसे हम अच्छे से प्रेस करते हुए एक पेड़ा सा रेडी करेंगे और फिर से हम इसे आटे में डिप करके हल्के हल्के हाथ से इसको हम फिर से बेलेंगे। हमें ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलना, हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथ से ही बेलना है। अब हम इस तंदूरी पराठे को सेकते हैं। उसके लिए हम एक पुराना कुकर लेंगे। कुकर नॉनस्टिक नहीं होना चाहिए, इसे हम गैस पे अच्छे से गर्म कर लेंगे। कुकर बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए तभी हमारा पराठा चिपकेगा। हमने उसमें एक तरफ से धनिया लगा दिया है और दूसरी तरफ से हम इसमें हाथ से ऐसे पानी लगा देंगे। पानी हमें अच्छे से लगाना है तभी ये पराठा हमारा गर्म कुकर में चिपकेगा। फिर बहुत ही सावधानी से हमें इसके अंदर इसको प्लेस कर देना है। जिस साइड पानी था वो हमारा साइड कुकर की तरफ होना चाहिए। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक कुकर उल्टा करके पकाएंगे। देखिए, हमारा लच्छा पराठा सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसके ऊपर बटर या घी कुछ भी रखकर इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए, बन गया ना गैस पर ही टेस्टी तंदूरी पराठा। चलिए हम अब बनाते हैं तंदूरी आलू का पराठा। देखिए, आ गया ना सबके मुंह में पानी। सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में हम घी या बटर लेंगे, उसमें जो हमने आलू बॉईल किए थे वो डाल देंगे मैश करके। उसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और उसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इसमें मैगी मसाला डाल देंगे। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे पराठों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऊपर से हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और उसे अच्छे से हम मिक्स करके स्टफिंग को ठंडा कर लेंगे। मैंने यहाँ स्टफिंग के लिए आलू लिए हैं।
आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, साथ में प्याज भी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी की कोई भी वेजिटेबल आप इसमें डाल सकते हैं। अब पराठे के लिए हम फिर से एक आटे का पेड़ा लेंगे जो हमने आटा गूंदा था, उसका हम एक छोटी गोल रोटी बना देंगे उसकी पहले। इसे भी हम पतला ही रखेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा हम घी लगाएंगे और फिर हम ये जो हमने आलू का मसाला बनाया था इसे हम ठंडा करके इसमें हम स्टफ़ कर देंगे। फिर से हम इसे आटे में डिप करेंगे और इसे हल्के हाथ से हम बेल देंगे। इसे हमें तंदूरी ही बनाना है तो इसलिए हमें इसके लिए हम फिर से एक कुकर गर्म करेंगे। कुकर हमें ये देखना है कि पुराना ही हो और नॉनस्टिक बिल्कुल ना हो। अगर नॉनस्टिक कुकर होगा तो हमारे पराठे इसमें नहीं चिपकेंगे। वैसे ही इसमें हम एक बार फिर से हम पानी लगाएंगे एक साइड, और पानी वाला साइड हम कुकर में इसको चिपका देंगे। कुकर बहुत गर्म होता है, इसे बहुत केयरफुली करना होता है। अगर आप कुकर में नहीं बना सकते तो मैं तवे पे बनाना भी सिखाऊंगी। जब ये 2 मिनट बाद सीख जाए तो एक चिमटे की हेल्प से हमें बहुत केयरफुली इसे निकाल लेना है। देखिए हमारा पराठा रेडी है। अगर आपको लगे कि हल्का कच्चा लग रहा है या कम सिका है तो आप स्लो फ्लेम करके डायरेक्ट गैस पे इसे हल्का सा 2 सेकंड के लिए भी सेक सकते हैं। हमारा आलू पराठा रेडी है, इसे आप बटर के साथ सर्व कीजिए। ये खाने में बहुत करारा और टेस्टी लगता है। अगर आप भी ऐसे पराठे बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम बनाते हैं ग्रीन चिल्ली पराठा। इसे हम तवे पर बनाएंगे। इसके लिए हम उसी आटे में से एक पेड़ा ले लेंगे मीडियम साइज़ का। उसे हम एक पतली रोटी में बेल लेंगे। इस बार हम अलग तरह से लच्छा बनाएंगे। लच्छे पराठे कई तरीके से बनाए जाते हैं, मैं आज आपको 2 तरीके सिखा रही हूँ। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी या बटर जो भी हो अच्छे से फैलाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है जो हम घी लगा रहे हैं ये हर तरफ लगे, कहीं पर भी इसका छूटे ना। उसके बाद हम ग्रीन चिली लगा देंगे और फिर हम इस तरीके से लेयर्स बना के इसे हम फोल्ड करते जाएंगे। लेयर्स हमारी पतली पतली ही होनी चाहिए। फिर हम इसे दबाकर अच्छे से इसकी ऐसे लोई बना लेंगे और जो लास्ट का होगा उसे हम नीचे से दबा देंगे ताकि हमारा पराठा गोल बने। अब हम इसे आटे में डिप करके हल्के हल्के हाथ से बेल लेंगे। हमें ज़्यादा ज़ोर से इसे नहीं बेलना ताकि इसके लच्छे आपस में ज़्यादा ना चिपके। अब एक पैन या तवा गरम करके हम उसमें ये रोटी सेक लेंगे। जब ये हल्की हल्की सिक जाएगी दोनों तरफ से, हम इसमें घी या बटर आप जो भी चाहें वो इसमें हम लगा सकते हैं। ये पराठे पैन में भी बहुत अच्छे बनते हैं। और तंदूरी पराठे कैसे बनाने हैं ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। इन पराठों को हम तवा चाप, शाही पनीर या दाल मखनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इन सब सब्जियों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मैं इनको आई बटन में भी डाल दूंगी। देखिए हमारा चिली पराठा सर्व करने के लिए रेडी है। पराठे के ऊपर बटर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।